सो ये वीडियो नाइट में रिकॉर्ड हो रहा है और आप क्वालिटी देख सकते हो कैसी है, रोड लाइट पे चली गई है। तो हाय गाइस, मैं शुभम और आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M30s का कि M30s कैसा है। मुझे इसे यूज करते हुए करीबन 2-3 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर मैं एक मेरा ओपिनियन या फुल रिव्यू दे सकता हूँ कि फ़ोन कैसा है, कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहली बात तो फ़ोन 6000 mAh की बैटरी साथ में आता है। फ़ोन अगर आप अमेजोन से खरीदते हो तो आपको SBI का 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और फ़ोन काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी प्यारा लगा मुझे। अगर आप फ़ोन खरीदते हो तो उस जो प्राइस रेंज दी गई है उसमें काफ़ी अच्छा है। बट अब हम बात करें अगर इसकी परफॉर्मेंस कैसी, इसका कैमरा क्वालिटी कैसी, इसकी बैटरी लाइफ कैसी और रियल लाइफ में कैसा वर्क करता है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो डिस्प्ले की बात, तो डिस्प्ले वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शार्प डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। डिस्प्ले वाइज आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, इवन वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है। अगर आप किसी IPS LCD या फिर किसी और डिस्प्ले से स्विच कर रहे हो तो आपको ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है। सेकेंड थिंग की बात करूँ अगर बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं है। अगर आप यहाँ से पीछे से इसको दबाते हो तो आपको थोड़ी आवाज़ आएगी, मतलब यहाँ फिंगरप्रिंट के पास में आप दबाते हो इसको तो पट पट की जैसे आवाज़ आएगी, मतलब ठीक से, मतलब जो प्लास्टिक है वो ठीक से फिट नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि जो वाला प्लास्टिक यूज़ किया गया है यहाँ पे वो थोड़ी सा लो क्वालिटी का है। मतलब अगर आप इसे यहाँ से दबाते हो तब भी आपको हल्की सी यहाँ पे ये दिया हुआ है, वहाँ पे आवाज़ आने वाली पट पट की, मतलब जो मदरबोर्ड है या फिर जो बैटरी है वहाँ से सही स्टेबलाइज नहीं है ये फ़ोन। और यही आवाज़ अगर आप धनंजय भोसले का जो वीडियो देखते हो तो उसमें भी, उस वीडियो में भी आ रही है। अब बात करें आगे, मैंने बता दिया आपकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, हालांकि फ़ोन काफ़ी पतला है बट जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी आपको। और अगली चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप इसे हेवीली यूज करते हो, मतलब ज़्यादा देर तक यूज़ करते रहते हो, तो यहाँ से ये हीट होता है और यहाँ बैक साइड से भी ये हीट होता है। तो मतलब अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो कंटिन्यूसली, इंटरनेट ऑन है मेरा, 24 घंटे इंटरनेट ऑन है, जब से मैंने फ़ोन लिया है तब से फ़ोन का इंटरनेट ऑन है, और वैसे अगर आप इसे यूज़ करते हो तो कहीं से भी फ़ोन हीट नहीं होगा, बैटरी भी हीट नहीं करेगी। अगर आप फ़ोन के अंदर जाके टेम्परेचर देखते हो तो आपको 34 डिग्री के आसपास टेम्परेचर देखने को मिलेगा, बट यहाँ का एरिया काफ़ी ज़्यादा हीट करता है। अगर आप फ़ोन को कान के लगा के बात करते हो तो आपको हीटिंग महसूस होगी और इवन बैक साइड से भी काफ़ी ज़्यादा हीटिंग आपको महसूस होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर मल्टीटास्किंग करते हो, गेमिंग कर रहे हो, तो हीटिंग का इशू यहाँ पे और उसके आगे वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी गलत बात है। आई डोंट नो, ये प्रोसेसर यहाँ पे और इसकी प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से हो रहा है या फिर क्या दिक्कत है ये मुझे नहीं पता है। अब कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो कैमरे वाइज मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं 10 out of 3 or 2 दूंगा, बिकॉज अगर आपने पहले कोई रियलमी या फिर रेडमी का फ़ोन यूज़ किया हुआ है, फिर मेरी तरह कोई और फ़ोन यूज़ किया हुआ है, तो सैमसंग की इमेज क्वालिटी आपको बिल्कुल बेकार देखने को मिलेगी, मतलब डिटेल वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। और इवन अगर आप नाइट में फोटोग्राफी करते हो तो आपको काफ़ी बेकार सैंपल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ, ये लो लाइट कंडीशन में ली हुई फ़ोटो है जो कि एक्चुअली वीडियो है, और ये लो लाइट कंडीशन में ली हुई वीडियो है। तो ये सारी वीडियो यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, मान लीजिए तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लो लाइट कंडीशन में बिल्कुल बेकार सी वीडियो आ रही है। सैंपल आपको यहाँ पे मैं, मतलब वीडियो चल रही है वहीं पर प्ले करके दिखा दूंगा कि वीडियो कैसा है, कि आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। रिकमेंड यही करता हूँ अगर आप इस फ़ोन को कैमरे के लिए खरीद रहे हो, 48MP का कैमरा या फिर ऐसा कुछ ध्यान में रख के खरीद रहे हो तो मत खरीदना, क्योंकि इसका कैमरा बिल्कुल बकवास है। मतलब इवन मैं सैमसंग के मुंह पे कह सकता हूँ कि इसका वन ऑफ द रोस्ट कैमरा है। सैमसंग के यार सारे फ़ोन ले लो तुम लोग, उनमें क्वालिटी डिटेल वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलती है, बट इवन अगर आप नाइट में यूज़ करते हो तो मतलब बिल्कुल, अब मैं क्या बोल नहीं सकता, बिल्कुल बेकार कैमरा है। मतलब नोकिया का 2 MP का कैमरा आपको अच्छी फोटोज देगा, 48MP का कैमरा ले रहे हो तो मत लेना। हाँ, बैटरी लाइफ के लिए अगर आप फ़ोन ले रहे हो तो बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर मैं स्क्रीन ऑन टाइम आपको दिखा दूँ, एक चार्ज में आपको करीबन 10 से 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। मैंने कल सुबह फ़ोन चार्ज किया था तो रात को जब सोया तो 11% बैटरी थी और तकरीबन 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे रात को मिल गया था। यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, यहाँ पर थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, तो यहाँ आपको शो कर रहा होगा कि यहाँ पर जो स्क्रीन ऑन टाइम, तो मैंने फ़ोन को सुबह चार्ज किया था वापस, उसके बाद में ये स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ गया है। तो फ़ोन बैटरी वाइज काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली, आप फ़ोन को 10 घंटे तक यूज़ करोगे तब भी दे देगा। गेमिंग मैंने नहीं की है केवल, अभी तक पबजी डाउनलोड किया है, उसके बाद में अब मैं गेमिंग करने वाला हूँ इसमें, कि गेमिंग करूँ या ना, मतलब कैसी रहती है गेमिंग के बारे में। सो
डेली लाइफ में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो इस फ़ोन पे काइन मास्टर वगैरह फिल्मोरा वगैरह से, तो आप इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि काइन मास्टर जैसे आप यूज़ करते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, तो आप इसमें सेकंड लेयर यूज़ नहीं कर सकते हो। मतलब मान लीजिए एक लेयर आपकी चल रही है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये वीडियो है, अगर मैं इसे एडिट करता हूँ यहाँ पर, तो इसमें मैं सेकंड लेयर एडिट नहीं कर सकता हूँ। ये बोल देता है कि रेस्ट्रिक्टेड टू एरिया, मतलब यहाँ पर मैं अगर सेकंड लेयर एड करता हूँ, जैसे इसी की मैं सेकंड लेयर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, कॉपी एंड डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट लेयर ऐड करने पर ये आ जाएगा कि आपकी जो ये मतलब आपकी जो ये लेयर है आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करता हूँ अगेन, तो अब आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब यही है कि आप इसमें अगर आप मान लीजिए एडिटिंग वगैरह ढंग से करना चाहते हो, तो आप इसमें सेकंड लेयर यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जो नीचे वाली वीडियो लेयर होती है वो आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में आराम से वीवो Z1 Pro में कर सकते थे। तो वीवो Z1 Pro बेस के मैंने ये फ़ोन ख़रीदा था, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैंने गलती कर दी, क्योंकि कैमरा बिल्कुल बकवास है और सेल्फी वगैरह भी अगर आप यहाँ पर आपको सैम्पल दिख जाएंगे वो भी बिल्कुल बेकार है। मतलब डिटेल नाम की तो एक 0% चीज़ है कि डिटेल बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और अगर आप ख़रीद रहे हो केवल बैटरी के लिए, तो मैं कह सकता हूँ कि बैटरी के लिए सॉलिड फ़ोन, आपको कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ़ोन काफ़ी अच्छा है, बट काफ़ी सारे इश्यूज आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। यहाँ से फ़ोन हीट होगा, जो जिनके पास रिव्यू यूनिट गया है वो तो आपको ये बातें बताएंगे नहीं, जिसने फ़ोन खरीद के रिव्यू किया है वो सबको सारी बातें बता देंगे। यहाँ पर हीट करता है, बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और फ़ोन नॉर्मल यूजर्स में भी हीट करता है यहाँ से और यहाँ से। हालांकि आप अगर आप CPU Z में जाके टेम्परेचर देखते हो, तो आपको 34 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर कभी मिलेगा ही नहीं फ़ोन का, 34-35 से। यहाँ पे मैं अगर CPU Z ओपन करता हूँ तो देखते हैं कितना टेम्परेचर है फ़िलहाल फ़ोन का, तो ऐसे कभी कभी लेग करता है ये। 34 डिग्री टेम्परेचर है फ़ोन का, और यहाँ पे मतलब जो हीटिंग है वो आपको महसूस होगी, अगर आप फ़ोन पे लंबी बात भी कर रहे हो तब भी आपको हीटिंग महसूस होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आप हैवी यूज के लिए ले रहे हो तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। बैटरी लाइफ अच्छी है, कैमरा अच्छा नहीं है, डिस्प्ले अच्छी है, और फिंगरप्रिंट वगैरह सही है, कोई इशू नहीं है, इतना फास्ट नहीं है बट कह सकते हो कि ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो ये वीडियो नाइट में रिकॉर्ड हो रहा है, और आप क्वालिटी देख सकते हो कैसी है, रोड लाइट यहाँ पे चली गई है, और देखते हैं कि कैसा मतलब लो लाइटिंग आने के बाद में कैसा रहता है। बट मुझे डेफिनेटली पता है कि सैमसंग के जो फ़ोन है उनकी क्वालिटी काफ़ी बेकार आती है। इवन मैंने S10 Plus भी यूज़ किया था, उसमें भी फ्रंट में नाइट की क्वालिटी काफ़ी बेकार थी। हालाँकि इसमें 48 MP कैमरा दिया हुआ है, बट ये जो एक्चुअल जो हो रहा है वो 12 MP पर हो रहा है। सो मेरे सूत्रों से मुझे पता लगा कि सैमसंग M30S का कैमरा नाइट में यूज करने लायक नहीं है, अगर आप बिल्कुल लो लाइट कंडीशन में हो। हालांकि फ्रंट कैमरा तो फिर भी थोड़ा अच्छा वर्क कर रहा है, बट यार क्या क्वालिटी है। मतलब इससे अच्छा कैमरा मेरा नेक्सस का मोबाइल है, जो कि 2016 में लिया हुआ है, उसकी आएगी। और ये कुछ फ़ोटोज़ के सैंपल है जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इनकी जो डिटेल है वो इतनी अच्छी नहीं है। आप अगर डिटेल देखते हो तो बिल्कुल बेकार सी डिटेल है। नाइट में भी कुछ सैंपल्स लिए हुए हैं, ये नाइट में लिया हुआ, तो देखो कितना बेकार फ़ोटो आ रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, अगर आप वीडियोज़ या फ़ोटोज़ के लिए खरीदते हो नाइट के लिए तो अच्छा नहीं है। दिन में भी आपको इतनी अच्छी डिटेल देखने को नहीं मिलेगी। फुल कैमरा रिव्यू मैं आपको जल्दी से दे दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।